मेरे चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। सो आज हमने जो लेक्चर हमारा जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होते क्या हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसे रिएक्टेंट हैं जो हमारी प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारी प्रोडक्ट जो है, मतलब अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास है तो हमारी प्रोडक्ट क्या बनेगी, कम बनेगी, ठीक है। अगर हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो हमने उसको फाइंड करने के तीन स्टेप करे थे। पहला स्टेप ये था कि हमने क्या फाइंड, थ्री स्टेप्स क्या थे, पहले थ्री स्टेप्स डिवाइड कर लेते हैं उसके। थ्री स्टेप्स हमने फाइंड करने हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, अगर हमने फाइंड करना है तो उसका जो है पहला स्टेप क्या था, हमने कैलकुलेट की नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसे आप अगर याद करेंगे तो आपका जो है न्यूमेरिकल करना आसान हो जाएगा। दूसरा क्या था, हमने उसके क्या फाइंड करने हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसके हमने मोल फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। और जो हमारी प्रोडक्ट को लिमिट कर देगा, जो ऐसा रिएक्टेंट जो हमारी प्रोडक्ट को क्या कर देगा, लिमिट कर देगा, उसे क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको इसके जो स्टेप समझा देंगे। अब जो एग्जांपल में इंपॉर्टेंट भी है, आप इस चैप्टर में से जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है और लॉन्ग क्वेश्चन को न्यूमेरिकल होगा, उम्मीद करते हैं कि ये शायद न्यूमेरिकल आ जाए, तो इसे आप ध्यान से समझें। तो इसमें क्या हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक NH3 गैस है, हम उसे प्रिपेयर कर रहे हैं बाय हीटिंग टू सॉलिड्स, को हम हीट कर रहे हैं, एक NH4Cl है और दूसरा CaOH2 है, इसे हम हीट कर रहे हैं, हमारे पास NH3 प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो वो कह रहा है कि जो ईच सॉलिड है, जो दोनों सॉलिड है, ये 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम है और ये भी 100 ग्राम है। हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस, NH3 के कितने हमारे पास ग्राम्स मास कितना है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 जो है इसमें हमने फाइंड करना है कि इन दोनों में एक्सेस अमाउंट कौन सी है, जो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे और जो हमारा रिएक्टेंट कौन सा होगा जो हमारा क्या होगा, एक्सेस में होगा, ठीक है। अब इससे सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा लिखना है, क्या बताया हुआ है, सबसे पहले मास बताया हुआ है इसमें, ये मास ऑफ ईच सॉलिड, पहला सॉलिड कौन सा है, NH4Cl, mass of NH4Cl, कितना है इसका mass, 100 ग्राम mass है इसका, ठीक है। अब अगला mass of कौन सा solid, solid कौन सा, CaOH2, आप साथ लिख लेंगे इसे साथ, कॉपी कॉपी साथ ऐसे उतारे भी जाएं इसे, लिखा होगा इसके साथ, अच्छा, इसे आप साथ साथ से कर भी लेंगे, इसे राइट कर लेंगे कॉपी। तो इसे हमारे पास डेटा, अब इसमें हमारे पास डेटा हमारे पास आ गया, अब इक्वेशन हमने खुद बनानी है। अब आप मुझे बताएं कि इक्वेशन इसमें कौन सी यूज हो रही है, ये हमारे पास क्या है, दोनों रिएक्टेंट है, NH4Cl, NH4Cl प्लस हमारे पास कौन सा रिएक्टेंट है, CaOH2। अब ये क्या प्रोड्यूस कर रहा था, NH3 प्रोड्यूस, क्या कर रहा है, NH3। अब आप इसको अगर हमने इसको क्या करना है, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन करनी है, तो इसका हम यहाँ पे 2NH4Cl लिख देते हैं और यहाँ पे 2NH3 हो जाएगा और यहाँ पे CaCl2 बन जाएगा प्लस 2H2O प्लस 2H2O। आप देखें यहाँ पर जरा, आप देखें ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, साथ देखें जरा, NH4Cl हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2NH3 है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है, 4 2 8, 3 2 6, ये 6 है और 2 2 4, कंप्लीट हो गए, ये OH2 है हमारे पास, H2O बन गया और ये CA यहाँ पे आ गया और CaL2 यहाँ पर आ गया, हमने खुद बनाई है इक्वेशन। अब इसमें सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, आप याद करें, पहला स्टेप हमारे पास क्या था, हाँ, हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ, स्टेप 1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, क्यों ने फाइंड करने हैं,
पहले हम मैं फाइंड कर लेता हूँ, दो हमारे पास है ना, पहले एन एच फोर स्केल भी फाइंड कर लेता हूँ, एन एच फोर स्केल। अब नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एच फोर सी एल इज इक्वल टू मैस इन मैस ऑफ एन एच फोर सी एल इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस ओवर मोलर मैस ऑफ एन एच फोर सी एल। अब एन एच फोर सी एल का मोलर मैस क्या होगा, देखिए जरा, मोलर मैस ऑफ CaOH2 से कंपेयर करना है हमने।
यहाँ चेंजेस हमने क्या करने वाला सी ए ओ एच टू किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको NH3 के साथ ठीक है। अब COH2 कितने हैं 1 है और NH3 कितने 2 है ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1.87 से क्या आएगा यहां पे सॉरी COH कितने का है 1.37 है ना। अब हमने दोनों साइड को 1.37 से मल्टीप्लाई करवा दें 35 यहां पे आ जाएगा 1.35। यहां हमने क्या किया स्टेप पे इक्वला वन ये देखिए इसको हमने दोनों को इससे डिवाइड करवाया हमने वन से दोनों से वन और टू ये क्या आ रहा है इसका आंसर क्या आ रहा है 1.37 इसको टू से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2.37 हो जाएगा। यहां से देखिए इसको हमने कंपेयर करना है 2 को डिवाइड करें 1.37 से 2.1.37 मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई करें 3 को आप बुक में देख लो ना क्या लिखा हुआ 2.37 लिखा हुआ है ये देखिए उस तरफ ऐसे नहीं लिखा जैसे आपने लिखा वही कह रहा हूं ना आप यहां से मोड़ कर लें ठीक है 2.7 तो मल्टीप्लाई करेंगे ना 1.37 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2.70। अब आपको इससे क्या पता चल रहा है भला 1.37 यहां देख रहे हैं 1.37 अब यहां पर हमने मोल इस्तेमाल कर रहे हैं 1.37 1.37 नहीं 1.35 है अब इसे हम क्या कर रहे हैं 1.35 यहां पर हमारे पास मोल्स हैं किसके भला CaOH2 के अगर हम इससे देखो ज्यादा बन रहे हैं ना इससे देखो 1.35 हमारे पास मोल थे अब हमारे पास क्या बन रहा है 2.7 जो ज्यादा बन रहा है और पीछे क्या बन रहा था बराबर मान बन रहा था 1.87 क्या बन रहा था 1.87 बन रहा था देखा ना हमने तो हमें सिर्फ क्या पता चलता है इससे हमें कि अगर हम 100 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास ये क्या बना रहा है ज्यादा तो ये क्या होगा हमारा एक्सेस रिएक्टेंट वो कम बना रहा है तो हम क्या बोलेंगे लिमिटेड रिएक्टेंट। अब यहां पे मैं क्या बता रहा हूं यहां से हमें NH3 हमारा क्या है एक्सेस हां NH3 हमारा क्या है एक्सेस हां NH3 इज लिमिटेड सॉरी लिमिटेड रिएक्टेंट और हमारा और CaOH2 हमारा क्या है CaOH2 क्या है हमारा एक्सेस रिएक्टेंट क्या है रिएक्टेंट समझ आ गई इसकी। अब हमने लास्ट क्वेश्चन क्या किया नंबर ऑफ ग्राम मोल करने हैं। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ऑफ NH3 इज इक्वल टू मास ऑफ NH3 इन ग्राम्स ओवर मोलर मास ऑफ NH3। अब हमने यहां क्या निकाला है नंबर ऑफ मास निकाला है ना यहां से तो क्या होगा बताएं मुझे जरा मास ऑफNH3 is equal to molar mass multiply number of moles यहाँ देखिए number of moles of NH3 आगे समझ। अब देखो ये molar mass कितना होता है NH3 का nitrogen का 14 और 14 और 3 कितने हो गए 15 16 17 अगर हम 17 को multiply करवा दें molar mass को number of moles कितने थे NH3 1.87 थे हमारे पास पीछे फाइंड किया ना हमने अब इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 31.79 ग्राम 31.79 ग्राम 79 ग्राम ये हमारे पास मास आ गया NH3 का तो समझ आ गई आपको मास किस का कैसे फाइंड किया हमने स्टेप्स याद रखे हैं ये तीन स्टेप में हमने ये फाइंड कर लिया ये स्टेप 3 था हमारा तीन स्टेप में हमने फाइंड कर लिया। अब इसका पार्ट बी क्या है समझ पार्ट डी में क्या करना है हमने अगेन हमने एक्सेस का बताना है कि हमारा अमाउंट ऑफ एक्सेस कितनी है जो हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड 2 मोल तो मतलब इसमें अब समझो सामने वाली बात ये है इसमें अब उसने पूछा हुआ है कि एक होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट एक होता है एक्सेस रिएक्टेंट ठीक है।
अब वो कहता है कि हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्रिजन कितना बाकी रह गया, मतलब हमारा NH4 में जब इससे मतलब इस रिएक्शन किया तो हमारे पास ये बन गया, हमारे पास जो है CaOH2 ये कितना हमारे पास बाकी रह गया है। इसका हमें क्या करना है, हमने CaOH2 को कंपेयर करना है NH4Cl के साथ। अब देखो NH4Cl कंपेयर विद CaOH2, अब NH4Cl कितने मोल का हमने निकाल दिया मोल्स, ये 2 है मोल्स और ये क्या 1 है, ठीक है। अब आगे से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनता है, NH4Cl कितने निकाल लेंगे हम 1.87 2 मल्टीप्लाई, ये पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, मतलब सिंगल सेल बनाना है ना, सिंगल में 1 और 2 ये क्या बन गया 0.5 और ये 1 बन गया। अब 1 को मल्टीप्लाई करें 1.87 से 1.87 और यहां पर कितना आ गया 0.9935 ये हमारे पास आ गया। अब इससे हमारे पास क्या मुराद है कि हम 1.87 NH4Cl कितने से अटैक करेगा 0.935 पे ही रिएक्शन होगा ये। अब हमारे पास टोटल COH2 कितने निकाले थे हमने 1.35 जी। अब इसमें आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हमने मास मोल ये 1.35 एक बार बात करो मास ऑफ COH2 कितना निकाला पहले हमने, सबसे पहले कितना निकाला था 1.35 ये हमने निकाला था, ठीक है। ये हमारे पास मोल्स हैं, ये हमारे पास क्या थे सिर्फ मोल्स, अभी जो वो निकाले हैं 0.95 इनको माइनस कर देंगे। हाँ जी मोल्स ऑफ क्या निकाला है मेरे पास 0.99935 जी ये हमने निकाल दिया, किसके मोल्स हैं CaOH2 के जो रिएक्ट करेंगे किसके साथ रिएक्ट करेंगे NH4Cl के साथ कितने होंगे वो 0.415935 ठीक है ये हमारे पास होंगे। अब हमारे पास ये हमारे पास टोटल थे, ये हमारे पास जो रिएक्ट करेंगे माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा मोल्स में। अब हम देखते हैं मोल्स ऑफ CaOH2 अनरिएक्टेड कितने रह गए हमारे पास 0.135 माइनस कर रहे इसको 0.415 अब हमने मास फाइंड करना है तो मास का क्या फार्मूला होता है, मास ऑफ CaOH2 क्या होता है इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। अब देख लेते हैं जरा 0.415 मल्टीप्लाई करवाएंगे जरा मोलर मास को, मोलर मास मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या बनता है 30.71 grams 30.71 grams हमारे पास ये क्या रहेंगे अनरिएक्टेड, क्या रहेंगे अनरिएक्टेड। अब आपको समझ आ गई कि हमने ये कैसे किया है, एक तो हमने स्टेप वाइज किया है और एक हमने देखा है हमारा एक्सेस में कितना यूज हो रहा है CaOH2, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कर दें, और हमने जो है इसके पिछले प्रीवियस लेक्चर भी बनाए हुए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं।